साढ़े तीन साल पहले इसी लोकसभा क्षेत्र में आजमगढ़ के घर घर में जाके उसने कहा था कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। अरे कड़ा रहा तू, अमेरिका चला गया? क्यों इतना करोड़ों रुपए खर्च करते हो सरकार का? भव्य को और मेरे को बिठाओ कमरे में, जो 55 गांवों के नाम लिख के कमरे से पहले बाहर आ जाए उसको विजयी मान लेना। देखिए सरकार क्या क्या नहीं करती, हमें नामांकन प्रक्रिया में जो अमूमन 1 घंटे की होती है उस प्रक्रिया से हमें 4 घंटे तक हमें बाधित रखा, क्योंकि उनके पास BCID की रिपोर्ट थी कि 11 बजे बुला रखे हैं, बस 3-4 बजे तक इन्हें वहीं रोक के रखो, 3 बजे तक दफ्तर उनका बंद हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है साजिशें होंगी, दुष्प्रचार होगा, बहुत सी बातें होंगी। पिछले दिनों शुरू हुआ दुष्प्रचार, बताया अनुराग जी ने, हाथ जोड़े, कुलदीप जी हाथ जोड़ रहे थे, भाई कुछ भी कर लियो मेरे हाथ जुड़ा लो, कड़े भी चले जाइयो, आम आदमी की बात सुनने मत जाना। मैं कहता हूं लोकतंत्र का केवल और केवल धुर विरोधी व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। हर आचार को, व्यवहार को, विचार को सुनना लोकतंत्र को मजबूत करता है। परंतु ये वो लोग जो अपने आप को गड मानते हैं, ये वो लोग जो अपनी दादा लाई चलाना चाहते हैं, ये चाहते नहीं कि लोकतंत्र स्थापित हो, ये नहीं चाहते। बाबा साहब ने जो सपना देखा, किसान का, गरीब का, कमेरे का, दलित का, पिछड़े का, मजदूर का, बेटा पढ़े शिक्षित हो, वो आचार व्यवहार इन लोगों को पसंद नहीं है। इन लोगों को लगता है कि अगर यहाँ का आदमपुर का बच्चा अगर पढ़ गया तो तुम्हारे लिए पीड़ा देखो। मैं कहता हूं पीड़ा महसूस करो। जब उन्होंने कहा कि आम आदमी नहीं रही, वो तो करोड़पति को टिकट देने का काम करती है, मैं पूछता हूं क्या हिंदुस्तान में करोड़पति होना गुनाह है क्या? अगर कोई अपनी नेक कमाई से, मेहनत से 2 रुपए ईमानदारी से कमाता है वो गुनाह है क्या? अगर 24 साल से मैं विधायक होता, अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझने वाला व्यक्ति ताकतवर होता, तो मैं मानता हूं आदमपुर विधानसभा का हर बेटा और हर एक बेटी कुलदीप जी आज तक करोड़पति बन जाने चाहिए थे। अगर यहां पर लोग करोड़पति नहीं है तो वो केवल और केवल आपके परिवार की कमी है। आपके परिवार में शिक्षित नहीं होने दिया, आपके परिवार में इस इलाके को विकसित नहीं होने दिया, आपके परिवार ने सुनिश्चित किया कि यहाँ के लोग आगे ना बढ़ जाए। आज क्या हालात है, 26 साल का वनवास की बात करते हैं, 24 साल से खुद विधायक और सांसद है। मैं पूछना चाहूंगा, उन्होंने आज अपने बेटे को बताया, वो बेटे को जब जब हारता है, डर लगता है, बेटे को आगे करता है। मैं कहता हूं क्या कसूर है उस बेटे का? एक ही कसूर है कि अपने पापा के कहने से झूठ बोलता है, और कोई कसूर नहीं। और वो भी उसका पापू कह दे झूठ बोल दे बेटा। 3.5 साल पहले इसी लोकसभा क्षेत्र में आजमगढ़ के घर घर में जाके उसने कहा था कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। अरे कड़ा रहा तू, अमेरिका चला गया? आज अमेरिका से आके फिर टेप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको यादाश्त, मैंने कहा एक पत्रकार साथी से, जो कई दिनों से पत्रकार में बहुत बातें पूछ रहे हैं, मैंने कहा क्यों इतना करोड़ों रुपए खर्च करते हो सरकार का? भव्य को और मेरे को बिठाओ कमरे में, जो 55 गांवों के नाम लिख के कमरे से पहले बाहर आ जाए उसको विजयी मान लेना। मैंने कहा 180 बूथों पे एक एक व्यक्ति का नाम लिखवाओ, जो पहले लिख के बाहर आ जाए उसको विजय बना लेना। और केवल भव्य ने डॉक्टर साहब बैठे हैं, दो तो डॉक्टर है भाई इलाज करने के जा रहे हैं, उनका डॉक्टर सुशील है, डॉक्टर अशोक अरमानुराग तो ढांडा है पर बोला बहुत ठाडा है। तो मैंने कहा छोड़ भव्य बेटा, इसके क्या लड़ाई लड़नी, इससे नहीं लड़ते। बाबू बेटा तुम लोग कमरे में एक बार टक्कर ले लूंगा धारी, लिख के दिखाओ 180 बूथ पे के कार्यकर्ता का नाम। अरे क्या बात करते हो क्या बात करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मेरे भाई, ये जोश है ये अभी हमने बचा के रखना है, आज नहीं। मैं कहता हूं अभी पत्रकार पूछ रहे थे भाई आम आदमी में ऐसा क्या है, आप तो नए नए आम आदमी का, आम आदमी तो मैं पुराना हूं, पार्टी में ताजा ताजा आया हूं। ऐसा क्या है कि भाई सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, सबसे पहले पर्चा लड़ाओगे, सबसे पहले ऑफिस का उद्घाटन करोगे? मगर डर लगता है, घबराहट है उनके बीच में,
मैं पूछना चाहता हूँ, कुलदीप जी जब यहाँ पे आते हैं अपनी बाहें फैलाते हैं, कभी बाला मार हमारे फिल्मी स्टाइल में बातें करते हैं, बाहें फैला के कहते हैं आदमपुर मेरा परिवार है। मैं पूछता हूँ ऐसा कैसा परिवार है, 101,65,000 मतदाता, पर जब टिकट देने की बात आती है अपनी बीवी और अपना बेटा, ऐसा क्या है? क्यों नहीं वो सदलपुर के, क्यों नहीं वो चौधरी वाली के, क्यों नहीं बैर समिति बुढ़ा के खारिया के टोपी के किसी बेटे पर बेटी को टिकट देने का काम करते? क्या उनको अपने परिवार पर विश्वास नहीं है? आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके चौक और चौपाल में कुलदीप जी आएंगे, उनका बेटा आएगा, वोट मांगेगा, झूठ बोलेगा। आप पूछ लेना परिवार की व्याख्या क्या है, परिवार का मतलब क्या है आपके लिए, आपको पूछना होगा। अब समय आ गया है, हम कई बार अपने सहयोग के लिए किसी व्यक्ति को रख लेते हैं, हम रखते किसी के भाई को छोटे न ज्यादा पैदा हो गए तो आदमी रख ले, दो चार आदमी और रख लो। आदमपुर विधानसभा ने एक व्यक्ति को रखने का काम किया कि भाई हम चंडीगढ़ दिल्ली रोज नहीं जा सकते, हम आपको विधायक बनाते हैं, आपको विधायक बनाते हैं चंडीगढ़ दिल्ली जाके हमारी बात करना। परंतु उस व्यक्ति ने हमारी बात कभी नहीं करी। मैं पूछता हूँ, हमने विधायक बनाया, आज उसके घर में लाखों रुपए की 10 लाख रुपए की पेंशन उस घर में आती है, क्योंकि आपने और हमने उसको मिलकर बनाया। आज वो व्यक्ति उन चीजों में भूल चुका है। आज वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो 26 साल का वनवास तोड़ने आया हूँ, 24 साल से खुद विधायक है, 26 साल से वनवास की बात करता है। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों और कुछ साथी जो बाहर से भी आए हुए हैं, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपका बेटा और भाई हूं, आप ऋण देंगे मुझे, आप ऋण देंगे वोट के माध्यम से, आपको बताना होगा और घर में जाकर आप बेटे और बेटी को माता पिता को ये बताना होगा कि सितंबर को आप वोट देकर एक ऋण देने का काम करेंगे, एक लोन देने का काम करेंगे, साथ जीवन की आखिरी सांस तक उस ब्याज को उस ऋण को उतारने का काम सेवा के माध्यम से करने का काम करूंगा। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर यहाँ आए हैं, आज शुरुआत करेंगे, सुशील जी ने, अशोक जी ने बताया, अनुराग जी ने बताया, गेटवे खोलने का काम करेंगे। आने वाले समय में 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं आज आप यहाँ पर जितना पसीना बहाएंगे, समय आएगा आपका एहसान नहीं बोलेगा, आपको केवल और केवल घर घर जाकर इनके दुष्प्रचार को बहुत से दुष्प्रचार करेंगे, अभी बहुत से दुष्प्रचार करेंगे। कभी कहेंगे तो करोड़पति है, कभी कहेंगे क्योंकि जो विषय हम रख देते हैं वही विषय, कभी कहेंगे तो फोन नहीं उठाता, कभी कहेंगे तो घमंडी बहुत है, कभी कहेंगे कुछ कहेंगे, परंतु आपने उस दुष्प्रचार से बचना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसको टिकट देती है इतने बारीक छलनी से छानती है कि उसमें कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए, ये विश्वास आपने लोगों को दिलाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी पे यह विश्वास, हरियाणा प्रदेश की इस टीम पे यह विश्वास आपको रखकर घर घर जाकर इस बात को लोगों को समझाना होगा। सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, आज कुछ पत्रकारों ने पूछा, एक तो कल चैनल आने चला दे दिया, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मैंने उससे पूछा, मगर इतना इंटरव्यू ले लिया 22 मिनट का, तना कांग्रेस का तो जिक्रा भी नहीं करा, इसका मतलब कांग्रेस कहीं नहीं है। पहले एक पार्टी होती थी कांग्रेस आई, अब हो गया कांग्रेस गई, कांग्रेस गई हरियाणा से, हिंदुस्तान से सबसे चली गई। अनुराग जी ने बताया वो केवल और केवल सेटिंग बाज है, वो सेटिंग करेंगे और सेटिंग हीरो का व्यापारी है, इसको भी पता है सेटिंग कैसे करी जाती है, ये सेटिंग करने का काम करेंगे किस तरीके से आम आदमी के संघर्ष को कमजोर किया जाए। आम आदमी कमजोर नहीं हो सकता, उसके संघर्ष को किस तरह कमजोर किया जाए, उसके जज्बे को किस तरह कमजोर किया जाए, परंतु विश्वास रखना अपने नेतृत्व के ऊपर, आपने नेतृत्व में विश्वास रखकर उन लोगों को जो लोग कांग्रेस के नाम पे आपको बहकाने और बरगलाने आएंगे, जो लोग कांग्रेस का नाम लेकर आप लोगों से वोट तोड़ने का काम करने आएंगे, उन लोगों से भी हमें बहुत बहुत बचने की जरूरत है। सम्मानित बुजुर्ग, आपका जोश देख के मेरे में भी जोश आ गया।